इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई दिया गया है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आप एक दो वाले को एक जगह करना है और एच वाई जेड सबको होगा एबीसीडी वाला की एक जगह। कहने का मतलब है एक दो तीन चार को बोलते हैं कॉन्स्टेंट, ठीक है, यानी कि अचर, और वेरिएबल यानी कि चर, यानी कि एबीसीडी को वेरिएबल बोलते हैं और एक दो तीन चार को अचर बोलते हैं। तो यानी कि एक दो तीन चार वाले को अलग, कॉन्स्टेंट को अलग, तो चार को अलग, दो को अलग, फिर तीन को अलग, और वेरिएबल यानी कि चर को अलग, तो एक्स को अलग, वाई को अलग और जेड को अलग, तो चार द्वारा अतिरिक्त 24 हो गया, और एक्स वाई जेड तो क्या हो गया, यहाँ पे तीन को गुना करेंगे तो एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे गुना छुपा हुआ है, गुना छुपा हुआ है, गुना छुपा हुआ है, तो स्प्लिट किया ना, इसलिए सबके बीच में गुना गुना हुआ, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता है तो गुना रहता है।